with another subject, and my subject is today's is English. Students, in the previous video, हमने क्या सीखा? We have learned about chapter number 4. कौन सा chapter था वो? Ali and Arya. Today, I am going to teach you the worksheet. Worksheet number 4. When I grow up, from page number 71. So, you have to open your Canopy textbook, page number 71. When I grow up, हम सभी का एक ड्रीम होता है. हम जब बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख कर हमें कुछ बनना होता है. But we have to decide it. Yes, we have to decide it. और इसके रिलेटेड ही हम स्टडीज करते हैं. So if you want to become a doctor, so आपको साइंस की फील्ड में जाना पड़ता है. So we have to learn about the this things. Science में आपको सारी चीजें सीखने मिलती है. If you want to become a teacher, so आपको इस फील्ड में जाना पड़ता है और आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ती है. When I grow up, मुझे बड़ा होकर, जब मैं पूछे आप बड़े होकर क्या बनोगे, so we are telling me doctor, engineer, army person. Yes, मुझे pilot भी बनना है. Somebody is telling me like this. So here also this chapter is regarding when I grow up. Students, look at this picture. क्या दिख रहा है? Fireman. Who is fireman? और उनका काम क्या होता है? और इसमें से आपको इस चैप्टर में से सीखने मिलेगा कि उसकी वैन कैसी होती है, उनकी एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होता है. आपने देखा अभी पिक्चर में कि उनका एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म होता है. रेड कलर का हैट, रेड कलर का जैकेट, नीचे शूज. वो क्या करते हैं? फायरमैन. क्या करते हैं? फायर्स. जहाँ कहीं पर भी आग लगी हुई होती है, वो आग को बुझाते हैं. ये फायरमैन का काम होता है. ये हमारी हेल्प करते हैं. हमें उनको कॉल करना पड़ता है. जहीं कहीं पर भी आग लगती है, हमें उनको कॉल करना पड़ता है. वो अपनी वैन लेकर आते हैं. लुक एट दिस पिक्चर, आपको दिख रही है स्पेसिफिक इसके लिए एक वैन होती है. जैसे हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस होती है, हम उन्हें कॉल करते हैं, वो हमारे घर पर इमरजेंसी में आ जाती है. हियर आल्सो इन द इमरजेंसी दे विल कम टू अस, दे आर हेल्पिंग अस. यस, दे आर हेल्पिंग अस. इन द पिक्चर यू कैन सी क्या है? बड़ी सी लैडर, मतलब सीढ़ी. इवन आपको लाइट दिख रही है. यस, जब भी ये चलती है तो उसकी लाइट, यस, जैसे ही एम्बुलेंस में घूमती है वैसे ही ये लाइट राउंड एंड राउंड घूमती है और हाईलाइट करती है. और उसका स्पेसिफिक म्यूजिक होता है जिससे पता चलता है कि यहाँ से ये वैन जा रही है. सो सब एक दूसरे को साइड देते हैं और ये वैन जल्दी से जहाँ पर भी आग लगती है वहाँ पर पहुँच जाती है. सो लुक, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड ओपन द पेज नंबर 71. व्हेन आई ग्रो, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? I want to be a fireman. Here I have written the fireman. What is the spelling of fireman? F-I-R-E, fire, M-A-N, man. Once again, look at this picture. देखा आपने क्या है ये fireman? मुझे बड़ा होकर क्या बनना है? I want to become a fireman. Who is fireman? Is a man whose job is what? To put out the fires. The fire से आपको बुझाते हैं. ये इनकी पर्टिकुलर जॉब है, ये इनका काम है. Dressed in red, D-R-E-S-S-E-D, dress. की ड्रेस कौन से कलर की है? मैंने अभी आपको बताया रेड. स्पेसिफिक रेड कलर की उनकी ड्रेस है. With the red hat, with the R-E-D, red, H-A-T, hat, with the red on my head, on my head. उनके सर पर क्या है? Red hat. जिससे आपको पता चलेगा, जैसे पुलिसमैन राइट, उनकी भी कैप्स होती है. फिर डॉक्टर्स भी जब भी ऑपरेशन करते हैं तो स्पेसिफिक उनका ग्रीन कलर का जो कपड़ा होता है उसे बांधते हैं, उनकी कैप होती है राइट. लाइक दिस, उनकी भी कौन से कलर की हेड हेड है? रेड हेड, यानी रेड, एच ए टी, हेड, रेड.
का काम होता है। इस ड्रम के अंदर स्टोर किया होता है पानी, वाटर। इससे क्या होता है, आग बुझ जाती है। इनके पास आग बुझाने के लिए स्प्रेज भी होते हैं, आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में भी है, रेड कलर के सिलेंडर्स। लुक एट दिस पिक्चर, दिख रहे हैं आपको, इससे भी आप आग बुझा सकते हो। इवन विद द सैंड, सूखी मिट्टी होती है सैंड, उससे भी आपको जहां पर भी आग लगती है आप उसे भी बुझा सकते हो। तो इनके इंजन के अंदर ये सारी चीजें होती है। एंड राइट द बिग रेड इंजन, राइट राइट मतलब चलाना, क्या चलाना है उसे, राइट द बिग रेड इंजन। यस, रेड कलर की है इनकी वैन, आपने पिक्चर में देखा, रेड इंजन। ऑल राउंड द टाउन, ऑल राउंड द टाउन, इट इज लार्जर देन अ विलेज। ये गांव से क्या होता है बड़ा, लार्जर, एंड स्मॉलर देन अ सिटी, स्मॉलर देन अ सिटी। जैसे आपकी सिटी है, कौन सी सिटी है, आप कौन सी सिटी में रहते हो, अहमदाबाद, सो स्मॉलर देन अ सिटी। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इन द पिक्चर मैंने आपको सिखाया क्या होती है, बड़ी सी लैडर, वो फ्लोर्स तक, जहां पर अगर सेवेंथ फ्लोर पर आग लगी हुई है, फायर लगी हुई है, तो वो सीढ़ी लैडर सेवेंथ फ्लोर तक भी जा सकती है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यानी वहां पर अगर लोग फंस गए हैं सो उन्हें वो सीढ़ी में बिठा कर भी आप नीचे लेकर आ सकते हो। वो सीढ़ी में वो बैठते हैं और फिर लैडर नीचे आती है, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती है और वहां पर उनको बचा सकते हैं। द बिग रेड लाइट गोइंग राउंड एंड राउंड, आपने अभी पहले पिक्चर में देखा क्या थी, रेड लाइट विद अ राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। So students, here we have completed our worksheet, worksheet number 4, When I Grow Up. In the worksheet, हमने क्या सीखा, fireman के बारे में। आज हमने particular एक uniform देखी, जो uniform होती है red color की। Even we have learned about the hardware also, and you have seen the pictures also. So here we have completed our this worksheet. Now we will do one exercise, grammar exercise. Students, now we will do one grammar exercise, page number 72. Students, before starting this exercise, I want to explain you something about adjectives or describing words. What is adjectives and what is describing words? ये दोनों को हम कैसे समझेंगे? The words which tell us more about nouns are called adjectives or describing words, जो हमें nouns के बारे में, nouns के बारे में ज्यादा बताते हैं, more about nouns, yes, which tell us more about noun. Students, I am having chalk, this is a noun, but I am having white chalk, so you can learn ये कौन सा chalk है, white, आपको पता चलता है, so this is called white chalk, this is called what, adjectives, this is green board, this is green board, और ये पीछे दिख रहा है आपको, ये क्या है, this is white board, this is the difference between green and white, so यहाँ पर आपको board के बारे में ज्यादा बता रहे हैं, so this is also called the adjectives, adjectives, like a butterfly देखते हो, but colorful होते हैं, right, yellow भी होता है, green भी होता है, so येलो बटरफ्लाई, इफ आई से येलो बटरफ्लाई, तो आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, ज्यादा बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है, बटरफ्लाई के बारे में, तो उसे कहते हैं हम एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। सो लेट्स डू आवर एक्सरसाइज, सो यू विल लर्न इजीली। द कैट हैज अ डैश नोज, लॉन्ग लाइक एलिफेंट, और फैट मतलब गीला, फैट मतलब गीला, सो कैट का नोज कैसा होता है, फैट, कैट का नोज ऑलवेज फैट मतलब गीला होता है, फैट, सो व्हाट यू विल राइट हियर, फैट, W E T, फैट, करेक्ट हो हियर,
नंबर टू, द टाइगर हैज डैश टीथ। टाइगर के टीथ कैसे हैं? शार्प। यस, टाइगर के टीथ कैसे होते हैं? शार्प। तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं इसके टीथ के बारे में, टाइगर के टीथ के बारे में। यस, टाइगर के टीथ के बारे में। सो शार्प एंड फैट। फैट होता है, मोटे होते हैं उसके टीथ? नो, शार्प टीथ। सो हियर शार्प, राइट, एस एच ए आर पी, शार्प टीथ। थर्ड नंबर, वी लाइक टू ईट डैश समोसा। कौन से समोसा खाना पसंद है? हॉट, गर्म वगैरह या कोल्ड, लाइक कोल्ड ड्रिंक। ओके, कैसे समोसे पसंद होते हैं हमें? ज्यादा करकर हॉट, गरम। यस, हॉट, एच ओ टी, हॉट समोसा। समोसा की डिस्क्राइब कर रहे हैं, कैसे है वो? हॉट। नंबर फोर, डू यू लाइक माय डैश ड्रेस? Do you like my dress? Dash dress? Close or new? Close मतलब नजदीक या new मतलब नई वाली। So what are you saying? New dress. New dress. Dress कैसी है? New. N-E-W. Do you like my new dress? Number five. These trees are dash deep. Deep. बहुत deep होता है। क्या river कैसा होता है? बहुत deep. Tall, tall. Elephant कैसा होता है? Tall. So these trees are tall. You have to write down tall. T A double L. Tall. So students, आज हमने इस grammar के exercise में किसके बारे में सीखा? Describing words, adjectives के बारे में. So can we revise one more time? The words which tell us more about nouns are called adjectives or describing words. Students, here we have completed our worksheet number 4. और हमने आज इस worksheet में fireman के बारे में सीखा और आज हमने इस worksheet में adjectives के बारे में भी सीखा. So, if you are having any doubts regarding this worksheet, you can ask us in our Zoom online session. Thank you very much for watching this video. Have a nice day.